सर दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे शैतान फिल्म कितने स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है, क्योंकि दोस्तों फिल्म की सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि फिल्म को कितने स्क्रीन्स मिले हैं। अगर फिल्म बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो उसका स्क्रीन काउंट का योगदान भी रहता है, क्योंकि फिल्म की जब हाइप बन जाती है, क्रेज बन जाती है, तो फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन होता है वो बहुत मायने रखता है। और अगर आपके पास ज़्यादा स्क्रीन्स है तो आप शुरू के 3 दिनों में ही इतना कलेक्शन कर लेते हैं कि आपकी फिल्म की लागत निकल जाती है या लागत के आसपास आप पहुंच जाते हो। तो अभी जो पिछली जो मेरी रिपोर्ट थी उसके अनुसार 3,000 स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीज किए जाने की संभावना थी, लेकिन अब चूंकि ट्रेलर आने के बाद में फिल्म की हाइप बढ़ी है, फिल्म का क्रेज बढ़ा है, लोगों में दीवानगी बढ़ी है, तो अब ये फिल्म है वो 3,000 नहीं दोस्तों 4,500 5,000 स्क्रीन तक भी जा सकती है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो केवल मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इसका एक फायदा है, इसको ये भी मिलेगा कि उस दिन 8 मार्च को कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, तो ये भी एक फायदा मिलेगा। तो स्क्रीन काफी बड़ी संख्या में कैप्चर करके जाएगी, क्योंकि क्रेक है वो चली जाएगी, ज्यादा अच्छा नहीं कर रही। आर्टिकल 370 का भी 8 मार्च तक का जो सफर है वो लगभग पूरा हो जाएगा, तो काफी कम स्क्रीन रहेंगे, चलती रहेगी हालांकि वो फिल्म। और लापता लेडी जा रही है 1 मार्च को, और एक दो फिल्में हो रहा है, ये तो वो उतनी बड़ी रिलीजियस नहीं है। तो 8 तारीख को शैतान फिल्म के लिए स्क्रीन्स खाली रहेंगे, खूब सारे स्क्रीन्स रहेंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में स्क्रीन्स लेकर के, बहुत बड़े शोज लेकर के ये फिल्म आ रही है। आपको बता दूं कि अभी तक जो मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार महाराष्ट्र में फिल्म को 1200 स्क्रीन्स मिल सकते हैं, दिल्ली में 800 स्क्रीन्स फिल्म को मिल सकते हैं, और दोस्तों तमिलनाडु में भी 300 स्क्रीन्स फिल्म को मिल सकते हैं। आर माधवन भी है, ये मत भूलिएगा फिल्म में। और दोस्तों कर्नाटका में भी करीब 600 के आसपास स्क्रीन्स फिल्म को मिल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 300 स्क्रीन्स फिल्म को मिल सकते हैं, वेस्ट बंगाल में 400 स्क्रीन्स डेफिनेटली मिलेंगे फिल्म को, और गुजरात में 300 स्क्रीन्स, और दोस्तों राजस्थान में करीब 200 स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज होगी, और बाकी जो अन्य स्टेट से देश के हो वहाँ पे करीब 700 स्क्रीन्स पर। तो कुल मिलाकर के 5,000 स्क्रीन्स का टोटल आ रहा है कि करीब 5,000 स्क्रीन्स पर यह फिल्म पूरे देश भर में रिलीज हो सकती है। और मेरा यकीन मानिए, अगर 5,000 स्क्रीन पे फिल्म रिलीज होती है तो फिर इसका कलेक्शन है वो कुछ भी आ सकता है। मतलब ऐसा मत मानिएगा कि आप केवल 20 करोड़ ही आएगा, फिर इसका कलेक्शन दोस्तों 30 करोड़ प्लस भी जा सकता है। ये मेरा शुरुआती रुझान है, शायद आपको लगता हो कि इतना थोड़ी आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर फिल्म के अच्छे से प्रमोशन हो गया और फिल्म की हाइप जिस प्रकार की अब बनी हुई है वैसे ही बनी रही, और कुछ एक दो अच्छे गाने आ जाते हैं, कुछ एक दो अच्छे प्रमोज हो रहे आ जाते हैं, तो फिर ये फिल्म कुछ भी कर सकती है दोस्तों। अभी तो 20 करोड़ का ट्रेंड का आंकड़ा आ रहा है कि 20 करोड़ प्लस फिल्म करेगी पहले दिन, लेकिन अगर 5,000 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज होती है और अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिल जाता है, क्रिटिक्स के रिव्यूज अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर दोस्तों कुछ भी संभव है कि फिल्म कहीं पर भी जा सकती है। तो देखते हैं किस प्रकार की कलेक्शन फिल्म करने वाली है। आप बताइएगा आपकी क्या राय है। आर माधवन प्लस अजय देवगन सर, जबरदस्त फिल्म बनने वाली है, मजा जरूर इस फिल्म में आने वाला है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।